अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर उपभोक्ता कल्याण समिति की ओर से कोतवाली स्थित श्री राम जानकी मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के प्रबंधक धीरज मिश्रा ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ मातृभाषा भी है, हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए, इसे आदर सम्मान देना हर भारतीय का कर्तव्य है। हिंदी भाषा का प्रयोग बैंक, व्यापार, लेन देन, पत्र व्यवहार, संवाद आदि जैसे कामों में अधिक से अधिक करना चाहिए। इस दौरान कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में अशोक पांडे, अजय गोयल, हृदय सेन, विवेक साहू, रवि साहू सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हीन भावना पैदा हुई है कि कोई हमारे सामने इंग्लिश में बातचीत करता है तो हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा योग्य है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हिंदी में भी जो व्यक्ति बातचीत करते हैं वह भी योग्य होते हैं, और हिंदी को हम अपने अंदर समाहित करते हैं और साथ में लोगों को भी ये भावना पैदा करते हैं कि आप हिंदी को अच्छे से बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें, हमारे साथ आएँ, इस भारतीय उपभोक्ता कल्याण समिति में जुड़ें। नहीं तो आजकल सभी अभिभावकों का ये वो रहता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाएं, तो उसके लिए आप क्या जागरूकता लाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदी हमारी मातृभाषा तो है ही, साथ में जन्म की भाषा, हमारी प्रथम भाषा हिंदी है, और इस हिंदी के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों में जो सहजता से उनको हर एक चीज़ रटवानी पड़ती है, लेकिन हिंदी में हमको कोई चीज़ रटवानी नहीं पड़ती है। हिंदी में जो ज्ञान होता है वह सहजता से ही हमारे अंदर आत्मस्वरूपण हो जाता है। लेकिन यदि बात करें हम दूसरी भाषाओं की, यदि हमें अपने देश में यदि उन्नति करनी है तो हिंदी को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि हम किसी दूसरे देश की भाषा से इस देश की उन्नति नहीं कर सकते। हम उन्नति जब कर सकते हैं जब हमारी राष्ट्रीय भाषा जो कि हिंदी को हम अपने अंदर समाहित करके लोगों से हिंदी में बोलचाल, व्यापार और लेखा जोखा और लेन देन हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को ही करें और हिंदी को ही बढ़ावा दें।